नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। विधानसभा शीतकालीन सत्र का ये तीसरा दिन और तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। 2 बजे से सत्र शुरू हुआ और पहला वॉकआउट कर चुकी है अभी विपक्ष, और विपक्ष की लगातार यही बात सामने आ रही है। सर, हमारे साथ अभी विधानसभा नैना देवी से विधायक जुड़े हैं, रामलाल ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रही है कि बातों को नहीं सुना जा रहा है, चर्चा नहीं की जा रही है सरकार द्वारा। आपका क्या कहना कि कितनी सार्थक चर्चा अभी तक विधानसभा में हुई, क्योंकि सवाल बहुत सारे लगे, 576 से ज्यादा सवाल है, कब निपटारे होंगे? देखो, ऐसा है, 576 जो सवाल लगे हैं, मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा। एक एक दिन में 100 से ज़्यादा प्रश्न जो है वो लिस्ट हो रहे हैं, कितनों का जवाब मिलता है। पिछला उठा लीजिए आप, 5 या 6 क्वेश्चनों का जवाब मिलता है, बाकी क्वेश्चन जो है डीम्ड टू हैव बीन रिप्लाइड, उसके उत्तर हमारे को लिखित तौर पे मिल जाते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी चर्चा करने का जो है वो समय है, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं चर्चा करवाओ, इसीलिए तो हमने 67 के अधीन जो है वो आज नोटिस लिया था, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। सरकार सुन क्या रही है, जब 5 दिन का जो है वो सत्र बुलाया गया, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, कैबिनेट ने अप्रूव किया, गवर्नर ने नोटिफाई किया, 5 में से 3 दिन के लिए अगर मुख्यमंत्री गायब हो जाए तो आप मेरे को बताओ सरकार कितनी सीरियस है विधानसभा के बारे में, और जो इश्यूज खड़े हैं आज की तारीख में उनके बारे में कितनी सीरियस है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। वो इससे लगता है कि विदाउट इन्फॉर्मिंग हिमाचल प्रदेश विधानसभा, माननीय स्पीकर साहब को भी तो पता नहीं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो बाहर चले गए 3 दिनों के लिए। तो इसलिए लगता है कि सरकार जो है ये जो चुनाव के नतीजे निकले हैं उनसे बौखलाई है, ये हमारे पास नंबर नहीं है। अब जब हमने इस बार पूछा कि भाई ये जो आपके जो है ना 5000 करुणामूल आधार के ऊपर केसेज हैं, सरकार ने ही फैसला किया, मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में पिछली बार कहा था कि ये जो ड्यूटी से अगर मान लो 1 घंटा पहले भी अगर मान लो वो ये तो बात में शिमला बजट सेशन में जब उनका बजट भाषण था उसमें कहा था कि अगर मान लो 1 दिन पहले भी कोई कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को नौकरी मिलेगी। अब अगर आश्रित को नौकरी नहीं है, 5000 लोग लाइन में लगे हैं, अब पिछले 4 सालों में कितने लोगों को नौकरी मिली? 60 से 70 सरकार यहाँ पर कहती है कि करुणा मूलक के लिए जो करना चाहती थी सरकार वो कर रही है, इससे पहले कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर बात की जाती है कमेटी बनाने की, लेकिन वो कमेटी पिछले कितने महीनों से नहीं बनकर आ रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, कांग्रेस पार्टी ने गलत की, तो हम विपक्ष में हैं, सत्ता में वो लोग आए जिन्होंने लोगों को कहा था कि हम बस आसमान के तारे भी तोड़ के लेके आ जाएंगे। अगर मान लो आज लोगों से वायदा करके भी अगर वो लोगों की भावनाओं के मुताबिक काम नहीं करेंगे और ये फिर कहेंगे कि जी कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता था, भाई तभी तो हम विपक्ष में हैं, तुम सत्ता में आए हैं, तुम सारी चीज़ों को करने के लिए आसमान से तारे तोड़ने का वायदे आपने किए थे, तो आज वो अगर पूरे नहीं करेंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे। अंतिम सवाल ये भी कि अभी एक कंपनी के ऊपर एक आरोप लगाए गए थे कि जो भर्तियाँ हो रही है गलत तरीके से की जा रही है या फिर उनके साथ गलत हो रहा है, उसके बारे में क्या? कुछ एक कंपनी है, उस कंपनी में क्या है कि वो कंपनी जो है ना सारी जितनी भर्तियाँ उस कंपनी के थ्रू हो रही है, और उसका आउटकम ये है कि अब जब भर्तियाँ होनी हैं, चाहे वो IPH में हो, चाहे वो बिजली बोर्ड में है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, जिन्होंने उस कंपनी के थ्रू जो है वो काम किया है उनको 2 नंबर मिली। हिंदुस्तान में अगर मान लो अच्छी से अच्छी कंपनी में भी किसी बच्चे ने नौकरी करी है और वो सरकार की तरफ को आना चाहता है तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। टोटल 10 नंबर है, 10 में से 2 नंबर आपने चुरा लिए, तो बताओ जो लड़का मेरिट पे हो कैसे आएगा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये जो कंपनियाँ हैं इनको अगर मान लो 1000 रुपये मिल रहा है तो आगे 700 रुपये रहते, 300 रुपये कंपनी वाले लोग खा रहे हैं जी। उनको क्यों नहीं करती सरकार की जो आप पैसा दे रहे हैं वो सीधे तौर पर जो कर्मचारी जो लगाया आपने उसके अकाउंट में डालो, लेकिन वो कंपनी के अकाउंट में जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ अभी जुड़े थे नैना देवी से विधायक जो है रामलाल ठाकुर जी, और साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने अभी आरोप लगाए थे एक कंपनी पर उसके बारे में भी आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है, और इसके अलावा क्या कुछ प्लानिंग रहती है आगे आने वाले समय में, विपक्ष किस तरीके से निखर कर आता है वो देखना रहेगा इस सत्र में। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिमाचल।